अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ इस्लामिक ज्योमेट्रिक आर्ट। ये आर्ट जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है और बहुत सिंपल भी लगता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। जैसे कि पहले बाकी मज़ाहिब में लोग अपने खुदाओं, बुतों, जानवरों के स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स बनाते थे, लेकिन इस्लाम में इस सब की ममानत थी। इसलिए जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो सिंपल शेप्स या कैलीग्राफी के थ्रू डेकोरेशन करते थे। इन सिंपल शेप्स से बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद में बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जाते थे, और आज हम ये ट्राई करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। डे वन, इसके लिए हमें चाहिए एक अदद रूलर या फुटा, एक मास्किंग टेप मे बी और मे बी नॉट, एक कटर, कंपास, पेंसिल और हार्ड कार्डबोर्ड। जो डिज़ाइनिंग का मेन फर्स्ट रूल ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है ईच एंड एवरीथिंग बहुत फैंसी हो या बाज़ार से आप स्पेशल चीज़ खरीदें। मुझे एक्चुअली हार्डबोर्ड मिला नहीं, तो मैंने ये किसी कॉपी का गत्ता उतार के उस पर मैं ट्रेसिंग कर दूँगी, और ड्रेसिंग के लिए हमें बटर पेपर या ड्रेसिंग पेपर चाहिए। सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपना डिज़ाइन। उसके लिए हमें चाहिए होगी पहले एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लूंगी मैं, फिर उसका मिड सेक्शन निकालूंगी, एंड देन आई विल ओपन माय कंपास ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर। उससे मैं फिर दायरे बनाऊंगी और डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो। ये दायरों के इंटरसेक्शन में से लाइंस निकाल के मैंने ट्राई एंगल्स बनाई हैं। इसके ऊपर ट्रेस पेपर रख के मैं इसी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में से अपनी डिजायर्ड शेप जो मुझे पसंद आएगी वो मैं निकालूंगी। ओके, इस कॉम्प्लेक्स शेप में से मैंने अपना ये डिज़ाइन जो है ये निकाला है। ये एक स्टार है मिडल में और ये हेक्सागोन शेप्स हैं। अब इसका मैं इस पर ट्रांसफ़र करके इसका स्टेंसिल बनाऊंगी, जिसको फर्दर मैं अपनी पेंटिंग के लिए यूज़ करूँ। आउटलाइनिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और अब इसे मैं अपनी पेंटिंग के लिए यूज करूंगी। डिजाइन बना के हम थक गए और सोचा थोड़ी सी रस मलाई बना लें, और उसके बाद हम लंबी तान के सो गए। डे टू, मेरा फर्स्ट आइडिया जो था कि मैं कार्डबोर्ड पे एक डिजाइन बनाऊंगी, उसमें से कटआउट्स निकालूंगी, and then I will trace it on this canvas, but it was quite difficult. Then I got the idea is tracing paper ke piche I smudged the charcoal. Ye koila mere paas tha, maine isko iske upar smudge kiya and then I traced it. Maine isko paper ko canvas ke upar rakha hai aur iske upar tracing ki hai, jisse kafi acha print aa gaya hai. थोड़ा सा इसको मैंने डार्कन भी किया। ये डिज़ाइन थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली अगर आपकी लाइंस जो है ना वो टेढ़ी हों। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम।
मैंने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें से मैं अपनी डिजायर्ड शेप्स निकालूंगी। मेरी कंपोजिशन कंप्लीट हो गई है, अब मैं इस पे पेंट करूंगी। Day 3, मैंने अपनी कंपोजिशन को फिल कर लिया है। अब मैं बाकी की पेंटिंग जो है वो कंप्लीट करूंगी और बैकग्राउंड को पेंट करूंगी। हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और ये मैंने इस पर पेंसिल से लाइट सी कैलीग्राफी की आउटलाइन ली है और अब मैं इस पर पेंट करूँगी। What a bummer. तो मसला ये हुआ है कि जो मैंने कैलीग्राफी की है वो मेरी कंपोजिशन के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और जैसा मैं चाहती थी आउटकम बिल्कुल भी वैसा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके ऊपर दोबारा वॉश करूँगी और इसको दोबारा पेंट करूँगी और दोबारा इसके ऊपर कैलीग्राफी करूँगी ताकि मेरी मेहनत जो है वो रायगान आ जाए। तो दोबारा से करते हैं फिर से।